आठवीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए 48,000 रुपये की जो छात्रवृत्ति योजना के लिए परीक्षा थी, उनका फॉर्म भरने की तिथि छात्रों के को देखते हुए बढ़ा दिया गया है। अब अभ्यर्थी 7 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। आइए इस वीडियो में आपको इनके प्रारूपों के बारे में जानकारी देते हैं। कैसे अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, उनका कब एडमिट कार्ड निकलेगा, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में। यह फॉर्म राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 राज्य सरकार के विद्यालयों में जो कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं वो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें छात्रों को क्या मिलेगा? तो इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी पास करेंगे तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति है, अर्थात 9वीं से 12वीं तक पढ़ने के लिए 48,000 रुपये की राशि प्रदान कर रही है। तो समय को देखते हुए जल्द अभ्यर्थी इसमें जुड़ें और फॉर्म भरें। अब इसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए? तो 8वीं क्लास में जो अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं तो 7वीं क्लास का जो उनका अंक होना चाहिए 55% अंक होना चाहिए, और SC ST को 5% क्या दिया गया है, छूट दिया गया है। और माता पिता का जो इनकम होना चाहिए 1 साल में 3.5 लाख रुपया से वार्षिक क्या क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसमें फॉर्म भरने का शुल्क क्या लगेगा? तो सरकार के द्वारा कोई शुल्क नहीं लगेगा। ऑनलाइन में आपको जो लगे 20, 30, 40, 50 रुपये जो फॉर्म भरने का लगे वही केवल शुल्क लगेगा। परीक्षा केंद्र कहाँ रहेगा? तो आपका जिला मुख्यालय जिस जिले के छात्र होंगे, भागलपुर जिले के होंगे तो भागलपुर, बांका जिले के होंगे तो बांका में, पूर्वी चंपारण के होंगे तो पूर्वी चंपारण में, तो उनका जहाँ जिला मुख्यालय होगा वहाँ परीक्षा होगा। अब अभ्यर्थियों के इस फॉर्म के लिए चाहिए क्या क्या? तो उन्हें केवल जितना जल्द हो सके जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनाना है, और इस फॉर्म को क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। तो इसमें चयन कैसे होगा? तो चयन प्रक्रिया SC RT जो है परीक्षा लेगी, और उसमें जिसका सबसे अच्छा अंक आएगा मेरिट के आधार पर क्या होगा, सेलेक्शन होगा। तो पूरा भारत में जो है 1 लाख अभ्यर्थियों को पैसा प्रदान होगा, जिसमें बिहार का कोटा 5,433 अभ्यर्थियों को बिहार में क्या मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। तो परीक्षा का जो प्रारूप है इसमें 90 प्रश्न पूछे जाएंगे मानसिक योग्यता परीक्षा से, 90 प्रश्न 90 मिनट दिए जाएंगे, और शैक्षिक जो क्लास का चीज़ है वो सेट कहलाता है, शैक्षिक एबिलिटी टेस्ट, 90 प्रश्न 90 मिनट के लिए। तो आपका ये हो गया 90 प्रश्न रीजनिंग का, और 90 प्रश्न हो गया बुक से, जिसमें गणित के 30 प्रश्न, 30 प्रश्न रीजनिंग के, और 30 प्रश्न सोशल साइंस के पूछे जाएंगे। तो जो जनरल अभ्यर्थी है तो इसका 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और SC ST अभ्यर्थी को 32%। नेक्स्ट, अब महत्वपूर्ण जानकारी। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो 5 नवंबर से शुरू हुआ था, 1 दिसंबर था, इसको जो है विस्तारित कर दिया गया। अब अभ्यर्थी 7 दिसंबर तक फॉर्म क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। और स्कूल स्तर पर जो है इसका जो अप्रूव्ड होगा वो 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक स्कूल के द्वारा उसको क्या करना है, अप्रूव्ड करना है। और एडमिट कार्ड के लिए जो है आपको 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच एडमिट कार्ड जो है अपलोड कर दिया जाएगा। और इस छात्रवृत्ति योजना का जो परीक्षा होगा वो परीक्षा होगा 19 जनवरी 2025 को। आंसर की आपका 25 जनवरी से क्या कर दिया जाएगा, आंसर अपलोड कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने कौन सवाल सही बनाया, कौन गलत बनाया। यदि आपको इसमें किसी प्रश्न में जांच में आपत्ति है तो आप 31 जनवरी तक क्या कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कोई विशेष जानकारी हो तो ईमेल दिया हुआ इस ईमेल पर आप क्या कर सकते हैं, जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं। या आपका हेल्पलाइन नंबर भी है 7368902790, या 9430283921, या 7295950874, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो 48,000 रुपया प्रत्येक छात्रों को जो ये राशि प्रदान की जा रही है, इस सुनहरा अवसर को न गंवाएं और अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठाएं, फॉर्म भरकर और तैयारी कर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अन्य अभ्यर्थियों को जानकारी के लिए शेयर करें। धन्यवाद।